आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश के आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का यह ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। यह हम सबको ज्ञात है कि जब विश्व में इस बात की चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान का क्या हश्र होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हर गरीब तक अनाज पहुंचाया। जब विश्व में यह चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान वैक्सीन और दवाई की दृष्टि से अपना संरक्षण कैसे कर पाएगा, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज न सिर्फ हिंदुस्तानियों को मिली मुफ्त, बल्कि साथ ही 160 देशों की सहायता हिंदुस्तान ने की। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि अमृतकाल का ये बजट भारत की रक्षा प्रणाली के लिए सबसे ज्यादा आवंटन करता है। आज जब भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करते हैं कि उनके देशों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वजह से आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं, जब भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। कोई प्रश्न है तो
रविकांत राय टाइम्स नाउ, एक मिनट अंकित जी, रविकांत आपको क्या लगता है कि भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई साजिश रची जा रही है? देखिए, ये मात्र छवि को धूमिल करने का दुस्साहस नहीं है। अगर आप उस वाक्य को बड़ी बारीकी से सुने, वो सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, तो आप इसको मात्र इमेज से इसका संबंध ना जोड़े। हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का ऐलान किया गया है।